बादशाह भाई का एक सॉन्ग जिसमें उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है हनी सिंह को। हनी सिंह यूट्यूब का इनफैक्ट यूट्यूब में सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे जिसकी वीडियो चलती हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, जिसकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुए हैं, जिनके सॉन्ग सबसे ज़्यादा वायरल हुए हैं, उन्हीं के सॉन्ग को उन्हीं के ऊपर बादशाह भाई ने जो है एक गाना गाया था जिसमें उनकी एक लाइन में पुणे, पूरा गाना मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सुनना में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ उनके गाने में मुझे, लेकिन वो लाइन याद है कि किस किस लाइन के पीछे जो है इतना बड़ा बवाल हुआ है। वो लाइन थी कि कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। ये लाइन अगर आपने उस गाने में सुनी है तो ये लाइन सीधे सीधे टारगेट करती है हनी सिंह को। देखो भाई, हनी सिंह जो है वो इतना बड़ा फेमस सिंगर है कि उसके आजू बाजू आप लोग कहीं नहीं हो, आप लोग अपने आप को नंबर वन नंबर टू पे समझते हो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। नंबर वन पे जो है वो है, वो तो ऑलरेडी रहेगा ही, आपकी गलतफहमी है। कुछ टाइम से हनी सिंह की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी तो उस वजह से वो अपने सॉन्ग नहीं गा पा रहे थे और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है बादशाह भाई ने उठाया, दबा के सॉन्ग्स बनाए, उनके सॉन्ग हिट भी हुए लेकिन ओनली शॉर्ट्स वीडियोस पर। इसी तरीके से उन्होंने अपने वीडियोस को वायरल किया, अपने सॉन्ग को वायरल किया, शॉर्ट्स वीडियो पे चलाते गए, स्टार यूट्यूबर्स के साथ वीडियोस बनाते गए अपने सॉन्ग को, उनके ज़रिए तो आप लोगों ने वायरल किया है, ठीक है। और आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो, उस स्टार को टारगेट कर रहे हो, उस फेमस सिंगर को टारगेट करके कह रहे हो कि आपका कमबैक ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, आप तो खुद दूसरों की बदौलत चल रहे हो। हनी सिंह, उसका अगर एक गाना भी आ गया ना तो आपके 50 गाने भी उनके सॉन्ग के आगे फीके पड़ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपके गाने अच्छे नहीं हैं, आप भी काफ़ी अच्छा गाना बनाते हो, लेकिन आपके गाने ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, हफ्ता भर चलेगा या फिर एक महीना, लेकिन हनी सिंह के गाने जो है वो कितने भी सालों बाद किसी भी टाइम पे अगर चलाया जाए उतना ही पॉपुलर, उतना ही वायरल होता है जितना कि स्टार्टिंग में। मिलियंस में रिव्यूज़ आते हैं, कई सारे मिलियंस रिव्यूज़। आपकी वीडियो कुछ दिन चलेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे। आपकी वीडियो अगर हम कोई देखेंगे, आपका कोई सॉन्ग अगर हम सुनते हैं तो कुछ दिन सुनेंगे, उसके बाद हम बोर हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे वो गाना दोबारा से। लेकिन हनी सिंह के गाने ऐसा नहीं है, जो सुनने में मज़ा हमको पहले हनी सिंह के गानों में आता था वही गाना हम 50 बार 50 साल बाद भी सुनेंगे तो उतना ही मज़ा, उतना ही क्रेज़ उस गाने का रहने वाला है और खूब मज़ा आने वाला है उस वीडियो को देख के। और ऐसी बात नहीं है कि उनका कमबैक ही नहीं हो रहा, ओके, कमबैक उनका होगा, वो भी बहुत ज़ोरदार तरीके से होगा, इतनी धूमधाम से होगा ना कि आप लोग उसके बाद कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनका सॉन्ग इतना ज़बरदस्त होता है कि आप एक बार अगर वो फिर से अपने ट्रैक पे आ गए ना तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और इनफैक्ट आपने तो अभी से जो है अपने गानों से, अपने खुद से, अपने आप से, आप लोगों ने लोगों का ध्यान जो है वो हटा दिया, क्योंकि हनी सिंह की आपने काफ़ी तगड़ी वाली इंसल्ट कर डाली अपने गाने पे, जो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। और इनफैक्ट आपने अपने जहाँ के भी आप जज हो, जहाँ पे बैठ के आपने ये, इनफैक्ट हनी सिंह ने आपसे पूछा था कि हाँ भाई किसके बारे में बात कर रहे हो, किसका कमबैक नहीं हो रहा, तो उस टाइम तो आपने हंसी में, मजाक में, स्माइल देके उस बात को टाल दिया, जवाब नहीं दिया। कहाँ से देते हैं, आपके पास जवाब रहा नहीं होगा, मुंह पे कौन बोल सकता है, पीठ पीछे तो बोले गए। लेकिन जब उनके गाने अब आएंगे, आपको जब उनके गाने सुनाई देगा ना, तो आप खुद देखना उनके गानों के साथ अपने गाने की कंपैरिजन करना, किस किस गाने जो है ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, ज़्यादा वायरल होते हैं। और उनके गाने की मैं गारंटी दे देती हूँ कि वो किसी शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए या फिर किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म के ज़रिए वायरल नहीं किए जाएंगे, या फिर किसी यूट्यूब स्टार के ज़रिए उन अपने गाने में उनको डाल करके वायरल नहीं किया जाएगा। उनका खुद का गाना इतना तगड़ा होता है कि किसी और को उसमें डालने की, किसी फेमस स्टार को उसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद इतना ज़्यादा वायरल होता है, इतना ज़्यादा ट्रेंड करता है कि लाखों करोड़ों लोग जो है उनकी वीडियोस को देखेंगे, अभी से लेके लास्ट 10 15 20 साल बाद भी देखेंगे उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उनका कमबैक नहीं हो रहा है, बहुत ही जल्द उनके गाने रेगुलर आएंगे, रोज़
बहुत ही बड़ा धमाल होगा और रोज़ हमारा एंटरटेन होगा और आपकी इंसल्ट होगी, क्योंकि आपने बहुत ही बुरी तरीके से उनको ट्रोल किया है, उनकी इंसल्ट की है, जो हनी सिंह के फैंस जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी हनी सिंह जी के सपोर्ट में हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते।